हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड ठीक था मगर अनुज की तरफ थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है और वो आप लोगों को भी है और अनुपमा से भी थोड़ी बहुत शिकायतें हैं जो आज के रिव्यूज में आपने भेजी है। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी और मेरी सब प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अनु ये सोच रहे कि मेरी बेबली यहाँ कैसे, दीन के घर में क्यों है, वो इतनी डरी हुई क्यों है। हाँ अनु, उसे मेघा से खतरा है, वो यहाँ कैसे पहुंची, क्योंकि अनु मेघा की बेटी प्रिया की शक्ल आद्या से मिलती है। आद्या सो हैप्पी, मम्मी ने देख लिया। मम्मी के मन में बहुत सारे सवाल होंगे लेकिन मम्मी सारे सवालों के जवाब ढूंढ लेगी। आद्या ने भी कहा कि प्लीज जल्दी आना मम्मी, मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ अनु, जल्दी अपनी बेटी को छुड़वा कर ले जाना। मेघा इज सो मच पॉसेसिव टू प्रिया। मेघा ने अभी जाने का फैसला कर लिया, वो सारी मेघा की हरकतें याद करते हुए ये फैसला लिया और लाचार बन जाते हैं। सॉरी, आद्या को छोटी लिखना भारी पड़ गया, अपनी बीवी के आगे डीन मजबूर और लाचार बन जाता है। अनु आद्या को कैसे छुड़ाएगी। हम सबने कहा था कि अनुज शांति से कुछ भी हैंडल नहीं कर सकता। सेम जब माया छोटी को लेकर गई थी तब भी अनु के साथ ऐसे ही बिहेव किया था और आज भी इसी तरह से कर रहा है। शांति से ठंडे दिमाग से कोई बात सुनता ही नहीं, सिर्फ चिखना चिल्लाना यही करता है। आज जब अनु ने कहा कि उसकी जान खतरे में है फिर भी सेल्फिश होकर बोल रहा था कि मेरी बेटी को लेकर क्यों नहीं आई, मुझे बताती मैं ले आता, लड़कर झगड़ कर अपनी बेटी को ले आता। ये सब कुछ करने से अनुज तुम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देते। अनुज सारा फ्रस्ट्रेशन अनु पर निकाल रहा है, आज फिर से वही सब बोलना शुरू कर दिया। तुमने झूठ बोला कि मेरी बेटी जिंदा है, एज यूजुअल। अनुज को अनु पर विश्वास कहाँ था कि वो आज कर लेगा। अनु की बातों पर नथिंग न्यू। अनु कितना खुश थी कि उसने अपनी बेटी को देखा लेकिन अनुज ने फिर से हर्ट कर ही दिया। अनुज आद्या के बिना जन्मदिन नहीं मनाना चाहता। आद्या के बिना अनुज अपसेट है। हम भी चाहते हैं कि आपका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो। बेटी के लिए शायरी अच्छी लगी बट वाई अनुज नॉट ट्रस्ट अनु। अनुज उम्मीद नहीं सिर्फ बेटी चाहता है। अनुज ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, पहले तो वो अनु की बात मान रहा था तो अब क्या हो गया। जब उसे यकीन हुआ था कि आद्या जिंदा है तो वो अनु की केयर करने लगा था, तो फिर आज अनुज को अनु पर ट्रस्ट क्यों नहीं है। भाई अनुज ब्लेम अनु, अनुज ऑलवेज ब्लेम अनु। अनुज को बस उसकी सो कॉल्ड बेटी से मतलब है, उसके हाव भाव से तो अनु की केयर और उसका प्यार नजर ही नहीं आ रहा है। अनुज और उसकी बेटी दोनों टॉक्सिक थे और रहेंगे, सहा हो या फिर कपाड़िया, किसी ने अनु की वैल्यू ही नहीं की। अब प्लीज अनुपमा से सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। सॉरी प्लीज अनु अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, तुम्हारा काम खत्म, बाप बेटी को मिलवा दो और इन दोनों से दूर चली जाओ। अनु क्यों अब अनुज को लग रहा है जो आद्या को देखा था वो उसका वहम था और अनु ने ऐसे ही कह दिया कि उसने आद्या को देखा, अनुज की हाँ में हाँ मिला दिया। अनुज हर बार साबित कर देता है कि अगर अनु आद्या को लाएगी तो ये अनु से प्यार करेगा, वरना वनराज बन के 2.0 बन के घूमेगा। छोटी अनुज के साथ है तो अनुज को याद रहेगा कि उसे 26 साल से अनु से प्यार करता आया हूँ। छोटी साथ नहीं तो प्यार गायब, क्या आइडियल प्यार है अनुज का। अनुज अब उम्मीद से भी फ्रस्ट्रेशन हो चुका है, अपनी बेटी अपने पास चाहता है। अनुज को ना उम्मीद से डर लग रहा है, तो क्या अनुज को ना उम्मीदें मिली है
अनु को अविश्वास, दुनिया भर के लोगों पर यकीन कर लेगा, लेकिन अनु पे भरोसा करने के लिए सबूत चाहिए। एक अपसेट पिता अनु की बात पर विश्वास नहीं कर पाया रहा है। ऑसम, यही रिएक्शन एक्सपेक्ट था। अनुज, तुम्हें अनु पे भरोसा नहीं है, ये बात तुम बार बार साबित कर देते हो, इसीलिए तुम्हारा बेशुमार प्यार फिजूल हो जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बेटी पे भरोसा है, भैया भाभी पे भरोसा है, जिसे माँ नहीं मानते उस मालती देवी की बातों पर भी भरोसा कर लिया था, यहाँ तक कि घटिया वनराज की बातों पर भी गौर कर लेते हो, लेकिन जब अनु की बारी आए तो सिर्फ शक। वाव, फैंटास्टिक। अनु की बातों पर यकीन करने के लिए सबूत चाहिए। आज अनुज ने साबित कर दिया कि उसकी पहली प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आद्या ही रहेगी। अनु तो दूर दूर तक नहीं है, वो हमेशा सेकंड नंबर पर ही आएगी। अब तो वो भी गारंटी नहीं है कि सेकंड नंबर पर है भी या नहीं। इतना फ्रस्ट्रेशन है कि उम्मीद भी झूठी लगती है। इस आदमी से खुद कुछ नहीं होता, खुद पागल बना घूम रहा है और दोष अनु पे डाल रहा है, जैसे अनु ने ठेका ले रखा हो। अरे इतनी ही दिक्कत है तो पहले ढूंढ लेते अपनी बेटी को, ये भी वनराज से कम नहीं है। ये अपसेट पिता नहीं है, ये ओवर रिएक्ट ड्रामा करने वाला पागल पिता है, जो हर बार बेटी के प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि उसको अपना घर, वाइफ, बिजनेस कुछ भी नहीं दिखता। हर टाइम ब्लेम 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 के अलावा कुछ नहीं है इस सीरियल में। राइटर्स ने एक औरत को मजबूर और इतना बेबस बनाया है, सब लोग आकर ब्लेम करते रहते हैं और कुछ भी नहीं, ना इज्जत करते हैं ना प्यार, सिर्फ ब्लेम एंड बेइज्जती। डिसअपॉइंटिंग रिएक्शन बाय अनुज। आखिर क्यों अनुज हर बार अनु को तोड़कर रख देता है? ये कैसा प्यार है? क्या अनुज ने अनु से सच में 26 साल तक एक तरफा प्यार ईमानदारी से किया था? आज नहीं लगता कि प्यार था, ये अनुज का प्यार फेक है। अनु वही कर रही है, अनुज को समझाने की कोशिश। उम्मीद नहीं देती तो आज जिस स्थिति में है उतना भी होता क्या? उम्मीद की वजह से ही संभाला है। अनु उसके बर्ताव से दुखी है पर उसे समझाती भी है, यही तो बात है। अनुज क्या खुद की हेल्पनेस फील कर रहा है? अनुज तुम बेबस बाप हो तो क्या एक बार अनु के बारे में सोचा कि तुम्हारी ऐसी हरकतों से वो कितनी हर्ट होती है? तुमने तो कितनी आसानी से बोल दिया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये बेबस बाप मर जाएगा। अनु ये सब सुनकर उसके मन पर क्या असर होता होगा, ये कभी सोचा है? अनुज अपनी बेटी के लिए आज अवानु अपनी जान पर खेल रही है, कितना बड़ा रिस्क उठा रही है। छोटी से मिलने अनु मेघा के घर में चोरी से एंट्री कर गई, गुड जॉब अनु, पर काश ये मेकर्स ये एफर्ट्स करते हुए अनुज को दिखाना चाहिए था, या फिर अनु अनुज के साथ भी आ सकता था। अनु आद्या के रूम में पहुंच गई, क्या उसे कोई हिंट मिलेगा कि आद्या कहाँ है? सागर राइट, इससे दूर रहेगा ही अच्छा है। मीनू तुम अपना देखो, सागर को बख्श दो। और पहला रिव्यू, अनुज को चाहिए पकी पकाई खीर, अकेले ही लड़नी होगी अनुपमा को ये जंग। अनुज ने अनु की पूरी बात तक नहीं सुनी, खुद ने तो कोई एफर्ट्स नहीं किया, अनु ने किए उस पर यकीन नहीं है, साथ देने के बजाय उसी पर ब्लेम कर रहा है। छोटी जब माया के साथ गई थी तब भी अनुज ने अनु की कोई बात नहीं सुनी थी, सब लोग मनाने गए थे तब भी नहीं आया था। जब छोटी ने बताया कि मैंने मम्मी को कहा था कि मुझे जाने दो और पापा को नहीं बताना, तब उसे विश्वास किया था और अपनी गलती रियलाइज हुई थी। बेटी बोली कि तब विश्वास होगा, तब तक नहीं। अनु कितनी भी दलीलें दे कोई फायदा नहीं है, ये तक कहा कि उसकी जान को खतरा है फिर भी कुछ नहीं समझा। अनुज, इसी बात की शिकायत है मुझे। अनु को क्या सारी जिंदगी साबित करते रहना पड़ेगा प्यार ममता अनु के लिए और छोटी के लिए? अपसेट पिता नहीं है, निकम्मा पिता है, जिसे खुद से कुछ नहीं होता, सब अनु करे, पहले ही ढूंढ लेता फिर बेटी के लिए कुछ भी करेगा, तो क्या 26 साल के प्यार का ड्रामा क्या था? इतना कुछ सहेगी तो बेहोशी हो जाए होगी। बेटी को ढूंढो, अनुज को संभालो, समझाने की कोशिश करो और इल्जाम भी सहो तो और क्या होगा? अनुज का अनु पर चिल्लाना जस्टिफाइड नहीं हो सकता। आज अनुज ने अनु को वनराज जैसा ही अब्यूसिव वर्ड बोले हैं। अनुज
और वनराज में आज के बाद कोई डिफरेंस है ही नहीं, ये प्रूव हो चुका है। अगर आद्या अपनी जीत को साइड में रखकर थोड़ा दिमाग लगा लेती तो आज हालात कुछ और ही होते। बहुत गलत किया, तभी तो सब कुछ बिगड़ गया है। आद्या आज खुश है कि मम्मी ने देख लिया, आज तुम्हारे माँ बाप की जो हालत है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है। आज खुद आएगी, अब खुद आएगी, देखेगी तब समझ आएगा उसको कि उसकी वजह से क्या हुआ है। अभी तो वो सिर्फ ये यहाँ से निकलना चाहती है, पर उसके घर छोड़ने के कारण क्या क्या हुआ जब देखेगी तब समझ आएगा इसको। ये मेघा औरत है कि चुड़ैल अपने पति को एंग्री लुक देती है, जैसे अभी खा जाएगी। उसको अनुज ने हर बार की तरह ही अनु पर ब्लेम किया, इस बार अनु पर गुस्सा आया। अनुज को बताना ही नहीं चाहिए था, पर वो गलत नहीं थी। वो सिर्फ चाह रही थी कि अनुज उसे समझे और मिलकर कुछ करेगा जिसे आद्या को लाने में मदद हो, पर यहाँ तो बताते ही अनुज ने सीधा अनु को ही ब्लेम कर दिया। देखा तो साथ क्यों नहीं लाई? अरे बाबा, आपकी बेटी इतनी अच्छी है कि वो अनु के साथ आ जाती, ये बात आपको पहले से पता है। हाँ, आज वो अनु को मनाने लगी, मानने लगी है, ये आपको पता नहीं है। अनु सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठा है, सब कुछ अनु करे, और ये सिर्फ अपनी बेटी की तस्वीर से बातें करे। सारी तकलीफ अनु सहे, सारे ताने अनु सहे, सबके दिए दर्द अनु सहे, पर इतना कुछ करके अनु बेटी को बचा कर लाए तो मेरी बेटी हद है। उन्हें कुछ नहीं करना, सब अनु करे। इनको इनको तो पकी पकाई खीर खानी चाहिए, सॉरी, पकी पकाई खीर खानी है। गोद ली नहीं, अनुपमा की सगी बेटी निकली आद्या, बड़ा खुलासा। करेक्ट, आपकी बातों से 100% सही कहा। बाकी तो उसने अपनी माँ से कुछ नहीं सीखा, सिर्फ बाप के अवगुण लिए। छोटी थोड़े टाइम तक ही रही, लेकिन उसने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि एक बार बापूजी ने कहा था, बेटा तुम्हारी मम्मी सबका ख्याल रखती है, इसलिए तुम्हें अपनी मम्मी का ख्याल रखना होगा। रखोगी? हाँ, ऑलवेज रखूंगी। इतना रोने के बाद मम्मी मिली है, उन्हें नहीं रोने दूंगी। जब अनु क्लोजर देने जाती है तब भी वो कहती है कि मेरी बेटी मुझे मुझसे नफरत करती है। तब अनुज कहता है कि नफरत नहीं करती, गुस्सा है। आद्या अच्छा नाम है, कितनी बड़ी हो गई है ना, और कितनी प्यारी हो गई है, अपनी माँ पे गई है, अपनी माँ की माँ पे गई है, सीरत में भी और सूरत में भी। अनु, हमें लगा था कि तुम हमें छोड़कर गई हो, लेकिन तुम अपनी परछाई हमारे साथ छोड़कर गई थी, छोटी के रूप में, सॉरी, आद्या के रूप में। उस टाइम तो नहीं, लेकिन अब ये बात सही साबित हुई। मेरी सभी बहनों को रंजू जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते, बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही समझी आप ख्याति जी। अनुज के कहने का मतलब वही समझ में आ रहा है कि अगर आद्या को लेके आएगी तो ही मेरी जिंदगी में तुम्हारी एंट्री है, नहीं तो नहीं ही है। आद्या है तो तुम हो, आद्या नहीं तो तुम नहीं। बहुत सही समझे आप, और ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है। प्यार व्यार सब हवा हो गया है। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। आज का एपिसोड देख के बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ, जहाँ दिखाते हैं कि अनुपमा बहुत ही खुश है आध्या को देख के, जहाँ वो डीन के घर में है। उसके मन में लाखों सवाल है कि आखिर वो डीन के घर में किस तरह से पहुंच गई और इनके घर में क्या कर रही है। यहाँ आद्या भी कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि शुक्र है कि मम्मी मुझे दिख गई और मम्मी को भी मैं दिख गई। और अभी मम्मी, उसे इतना यकीन तो है कि मम्मी उसे यहाँ से लेके चली जाएगी और अपने जो भी सवाल है अनुपमा के वो खुद ही जवाब निकाल लेगी। यहाँ मेगा फिर से जिद करती है अभी के अभी फार्म हाउस जाने की, जहाँ वो कृष्ण जन्माष्टमी तक भी रुकना नहीं चाहती है। जहाँ उसे फिर से याद आता है आध्या के प्रिया के बिहेवियर में चेंजेस जो भी आए हैं, उसके वजह से वो डीन को मना लेती है अपने गुस्से भरे निगराही से, जहाँ वो भी बेबस होके मान जाता है।
यहाँ अनुपमा की खुशी के ठिकाने नहीं हैं, जहाँ वो बहुत ही खुश होती है कि इतने महीने के बाद आद्या मिल गई। यहाँ अनुपमा की खुशी के ठिकाने नहीं हैं, जहाँ वो इतनी खुश हो जाती है कि वो एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो सोचती है कि ये बात अनुज को ही भी बता दिया जाए। यहाँ अनुज आद्या के स्केच के सामने रुका है, जहाँ आद्या से बात कर रहा है, जहाँ उसे लगता है कि आद्या नहीं है तो कुछ त्यौहार भी या उसका बर्थडे भी फीका ही रहेगा। यहाँ इस तरह से दिखाया गया है कि एक बाप को ही बेटी की फिक्र है और माँ को कुछ भी नहीं है, जहाँ ये माँ ने जिस माँ को उसने इतनी सारी बेइज्जती की थी, इतनी सारी इतने बार इंसल्ट किया था, फिर भी उसके पाँव के इस तरह से हालात होते हुए भी और उसके इतने मानसिक और इतने प्रॉब्लम्स होते हुए भी वो आद्या को ढूंढने में लगी है, जहाँ उसने ढूंढ के भी निकाल दिया है कि आद्या कहाँ पे है। यहाँ वो नहीं दिख रहा है कि वो एक के बाद एक मंजिल के करीब पे जा रहे हैं। यहाँ वही एक्सप्रेशन अनुपमा कंट्रोल नहीं कर पाती है और अनुज को बता देती है कि आद्या मुझे दिखी, जहाँ अनुज उस पे ही भड़क जाता है कि आद्या को तुम अभी क्यों नहीं लेके आई। इसी बात का डर था कि अनुज को अगर बता दिया जाए कि आद्या कहाँ पे है तो वो जाके और बात को बिगाड़ देगा, जहाँ आद्या और मुसीबत में आ सकती है। हाँ, यहाँ पे अनुपमा कंट्रोल नहीं कर पाई अपने एक्सप्रेशन को, जहाँ उसने सोचा कि अभी अनुज में इतने सुधार आ रहे हैं तो वो ये बात अनुज से ही शेयर करना चाहती थी, जहाँ उन्हें इतने करीब आ गए हैं कि आद्या अभी कहाँ पे है वो पता चल गया है। पहले तो उनको पता ही नहीं था कि आद्या कहाँ पे है, उसके बाद उनको पता चला कि आद्या इसी शहर में है, और अभी ये पता चल गया कि आद्या किसके घर में है। भले ही वो खुश नहीं है पर सेफ तो है, कम से कम बाहर की दुनिया के जिस तरह से आज के हालात है उससे कम से कम सेफ तो है इस दीन के घर में। हाँ, जहाँ मेघा के सवाल उठ रहा है तो अगर उसका बिहेवियर के वजह से डर लगता है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है, पर यहाँ अनुज अनुपमा को समझता ही नहीं है, जहाँ उसे बहुत बुरी तरह से भड़क जाता है। आज अनुज को देख के बहुत गुस्सा आया, जहाँ उसको अनुपमा की कुछ पड़ी नहीं है और आद्या की भी उसको उसकी इतनी पड़ी नहीं है कि जहाँ उसे वो इतना भी समझ सुनने के लिए उतने पेशेंस भी नहीं रखा कि अनुपमा को पूरी बात बताने देने का कि आद्या कहाँ पे है। जहाँ वो बोलते बोलते रुक गई कि वो डीन के घर में है, मिली थी मुझे। यहाँ इस तरह से बिहेवियर के वजह से अनुपमा फिर से डीन के घर में पहुँच जाती है। यहाँ डीन के घर में जिस तरह से मेघा ने फिर से ज़िद कर दी है कि अभी के अभी हम फॉर्म हाउस को निकल जाएंगे, तो वो तीनों निकल जाते हैं फॉर्म हाउस के लिए, जहाँ वॉचमैन रहता है। जब भी अनुपमा आती है तो उसे पता चलता है कि घर में कोई नहीं है, वो किस तरह से भी जुगाड़ करके अंदर पहुँच जाती है और वो जो फ़ोटो भी देखती है जिसके साथ मेघा और आद्या है, जहाँ उसे बहुत सारे सवाल है कि मेघा के साथ में हमारी आद्या की फ़ोटो किस तरह से है, और वो डायरी भी देख लेती है, जहाँ मेरे ख्याल से वो डायरी में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा रहेगा जिसे अनुपमा को और आगे क्लू मिल जाए, या जिस तरह से अभी आद्या ने बिना कुछ नाराज़गी या बिना कुछ कहते हुए मेघा के साथ निकल चुकी है, तो वो किसी ना किसी से एक तरह से कन्विंस करे कि मेघा को कि हमें मंदिर आना आना चाहिए,
जहाँ वो उसने डायरी भी यही लिखा रहेगा कि मैं किसी भी तरह से मंदिर पहुँचूंगी। तो मेघा को भी वो कैसे भी कन्विंस कर सकती है कि वो जन्माष्टमी के दिन मंदिर पहुँच जाए। जिस तरह से प्रीकैप में दिखा रहे हैं कि अनुपमा अनुज को मिलवा देगी आद्या को, पर आज जिस तरह से अनुज ने बिहेव किया बहुत ही गलत था। ये ऐसा कैसा प्यार है जहां उसे अनुपमा की फीलिंग्स के बारे में कुछ भी पड़ी ही नहीं है, जहां उसे लग रहा है कि वो एक लौता बाप है दुनिया में कि जिसकी बेटी खो गई है, और एक ही लौता बाप है जिससे उसको बेटी को इतना वो बेटी से इतना प्यार है। यहाँ शाह उसके बारे में तो कुछ कहना मन ही नहीं लगता है। जिस तरह से मीनू की शादी के बाद उसे पता चल जाती है बा के साथ, जहाँ मीनू सागर को मिलने के लिए आती है, अगर सागर अभी मना भी कर रहा है तो मीनू अपने लिए तो स्टैंड ले ही सकती है, अपना कैरियर के लिए तो स्टैंड ले सकती है। उतना भी अगर वो गट्स नहीं है उसे अपने फ्यूचर के लिए स्टैंड लेने के लिए, तो किस तरह सा प्यार करेगी ये, और आगे किस तरह से सागर के साथ ये निभाएगी अगर वनराज इनके खिलाफ गया तो। यहाँ सागर को भी अभी मेरे ख्याल से अपने फ्यूचर अपने कैरियर के लिए ही वो उसे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि उसके जिस तरह से हालात है और जिस तरह से ऐसे अभी आशा भवन की हालात है, तो उसके वजह से वो उसे एक ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाना चाहिए, उसके बाद इस सब बात की सोच सोचनी चाहिए। जहाँ मीनू को भी अपने कैरियर के बाद ही सोचना चाहिए, जहाँ वो जिस तरह से वो बिहेव कर रही है ऐसा नहीं लगता है कि उसे गट्स भी है वनराज के सामने अपने लिए कम से कम अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत रखती है कि नहीं, हिम्मत भी रखेगी नहीं शायद मेरे ख्याल से। जहाँ रशिया में पढ़ के आई है और यहाँ इंटर्नशिप कर रही है, पर उसके उसको देखते हैं एक्सप्रेशन नहीं दिखता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वनराज को वो सामना करे। यहाँ आगे देखेंगे आगे ट्रैक में, जिस तरह से प्रीकैप में दिखा रहे हैं कि अनुपमा छोटी को अनुज के सामने लेके आ पाएगी कि नहीं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका जी आपने कि एटलीस्ट इतना तो पता चला कि आद्या सेफ है और जिंदा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो आपने कहा बिल्कुल करेक्ट है कि जो बाहर की दुनिया है वो कितनी खराब है, वहां पे आद्या अब कम से कम सेफ हैंड में तो है, इतना तो वो देख के समझ ही पा रही है। और आद्या खुद मना कर रही है, मतलब आद्या के दिमाग में कुछ है। तो ये चीजें अनुज नहीं समझ पाया, मगर अनुपमा समझ गई। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच राधिका जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। अनुज ने आज एक बार फिर हमें निराश कर दिया है। जब अनुपमा, वैसे तो अनुपमा को अभी बताना ही नहीं चाहिए था अनुज को, जब तक कि आद्या उसके पास नहीं आ जाती, लेकिन वो अपनी खुशी में इतनी वो डूब गई थी, उसको लगा कि जब मैं अनुज को बताऊंगी तो वो खुशी से उछल पड़ेंगे। लेकिन आज फिर अनुज ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, अगर तुम्हें आद्या मिल गई थी तो तुम लेकर क्यों नहीं आई, और भी जाने क्या क्या, वो मर गई है, ये वो पता नहीं क्या क्या। आज भी अनुपमा कहती रह गई कि जो है वो मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, लेकिन अनुज ने सुनना ही कहा है। 5 साल पहले भी उसने यही तो किया था, जब अनुपमा एक्सीडेंट से सबको बचा कर लाई थी, वो तब भी कहने की कोशिश कर रही थी कांपते हाथों से, और वो बताने की कोशिश कर रही थी कि वो हुआ क्या था, लेकिन तब भी अनुज ने अनुपमा की कोई बात नहीं सुनी। वो तो बस अपनी धुन में तब भी बोलता चला गया। अनुज में रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं आया, वो थोड़ी देर के लिए उसमें चेंज आता है, वरना बाकी तो है तो जैसा वो पहले था, 5 साल पहले था।
अभी भी सेम टू सेम वही है। उधर ये बा जो है मीनू से कहती है कि तेरे लिए हमने लड़का देखा है और आज शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। किंजल कुछ विरोध तो करती है कि उसको अपना काम करने दो वो, लेकिन बा एज यूजुअल सबको चुप करा देती है। इनके घर में आशा और बाकी सब लोग बस मूर्ति की तरह बैठे हुए हैं। एक किंजल ही कुछ उसके फेवर में बोलते, बाकी तो सब स्टैचू हैं। अब तो टीटू भी उसमें ही आ गया है, बस एक मूर्ति की तरह हो गया है। बाकी तो ना वो अपने लिए कोई स्टैंड लेता है, किसी और के लिए क्या ही स्टैंड लेगा जब वो अपने लिए नहीं स्टैंड ले पा रहा, और किसी के लिए वो क्या ही कुछ करेगा। खैर उधर जो है मीनू सागर से मिलती है और अपनी उसके बारे में बताती है, लेकिन वो कह देता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्यार तो सागर भी करता है, लेकिन अभी वो अपने कैरियर पर और अपने उसको पता है कि उसकी क्या औकात है। वो अपना सारा स्टेटस जानता है और वो ये भी जानता है कि वनराज शाह किस हद तक जा सकता है। वो अनुपमा के लिए और कोई अभी मुश्किल बढ़ाना नहीं चाहता, यही उस मीनू को भी करना चाहिए। उधर ये जो बा कह रही है कि उससे डॉली और संजय से बात हो गई है, तो क्या ये डॉली और संजय को ओके है क्या कि कोई उनके उस पर बिहाफ पे डिसीजन ले ले? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अरे माँ बाप वो हैं, ये नहीं है वनराज नहीं है, इसने अपने खुद के बच्चों को तो बिगाड़ के रखा ही है, अभी इसका जीवन भी नरक बनाएगा। क्या पता कैसे उसने, मुझे तो वनराज पे रत्ती भर भरोसा है नहीं, पता नहीं कैसा लड़का ढूंढ के लाएगा इसके लिए, इसमें भी इसकी कोई चाल ही होगी और क्या। खैर आज फिर ये अनुपमा वहाँ डीन के घर जाती है, उससे पहले ये मेघा डीन से कहती है कि हमें जाना है, वो फिर इस पर वही पागलपन का दौरा पड़ जाता है। नहीं डीन कैसा है, इतना बड़े कॉलेज का ये हेड है मेडिकल, ना तो ये अपनी बीवी का कोई इलाज करवा रहा है, इसको ऐसा क्यों रखा हुआ है, मेंटल असाइलम में भेजे अगर ये तो कोई अगर उसकी प्रिया नहीं है, जिस तरह से हमें पता चला है कि ये इसकी एक बेटी थी प्रिया थी और उसकी शक्ल अद्य से मिलती जुलती है, ये तो डीन जानता है कि ये प्रिया नहीं है, तो ये कोई इसका ये वो नहीं है, मेघा का इलाज प्रिया नहीं है आद्या नहीं है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से वो देख के और वो कहती है कि हमें अभी जाना है तो अभी ही जाना है, उसके बाद डीन तो बिल्कुल चुप हो जाता है। ये कैसा आदमी है, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये किस कोई डिसीजन क्यों नहीं लेता, सारे डिसीजन मेघा ही क्यों ले, इसकी बिल्कुल नहीं चलती अपने घर में। खैर ये तीनों निकल जाते हैं, इतने में अनुपमा वहाँ आती है और वो अंदर जाने लगती है तो गार्ड उसको रोक लेता है। खैर उधर हमने देखा कि वो कहती है कि वो जाने लगती, वो कहती है घर पे कोई नहीं है, तो उसको लगता है कि शायद आद्या अंदर होगी, लेकिन वो किसी तरह से गार्ड को चकमा दे के अंदर पहुँच जाती है और उसको सबको वहाँ देखती है अंदर घुस के। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक है कि ये आद्या ने अनुपमा के लिए कोई ना कोई क्लू शायद छोड़ा होगा, बाकी अब देखते हैं ये आद्या अनुपमा को ढूंढ पाती है या अनुपमा आद्या तक पहुँचती है, ये अब देखना दिलचस्प होगा। बाकी बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सही कहा सुजाता जी आपने, डीन की तरफ बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला तो तभी उठ गया था जब हमने पहली बार आध्या के ऊपर जुल्म होते देखा था और डीन को सिर्फ वहां पे खड़े देखा था, एक बच्ची पढ़ नहीं रही है मगर डीन को इसका कुछ नहीं पड़ा। और आपने भी सही कहा है कि अपनी वाइफ को मेंटल असाइलम में क्यों नहीं भेजता, क्यों नहीं उसका ट्रीटमेंट करवाता, खुद एक डॉक्टर है, तो ये सारे सवाल तो डीन की तरफ आते ही हैं। एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं निभा रहा। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो
क्या बोलूँ मैं आज के शो के बारे में। आज जैसे अनुपमा पहले तो बेटी वहाँ पे है, वो ला नहीं पाई, उसने सोचा एक डिसीजन लिया कि नहीं बेटी को मैं अभी ले आऊँगी, कैसे भी करके हाथ पैर जोड़ूंगी, पैर पड़ूंगी, कुछ भी करना पड़े मैं आध्या को लेके आऊँगी। उसने ठान लिया, खुश है कि मेरी बेटी मुझे दिखी, 6-7 महीने बाद मेरी बेटी मुझे देखी, अब मैं उसे कैसे लाना है वो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहती है, डेफिनेटली प्लानिंग के साथ देखना चाहती है, सोचना चाहती है। वहाँ पे एकदम ये नहीं कर सकती थी। यहाँ पे हम कहते हैं अगर जैसा अनुज के हमने डायलॉग सुने, आज जो अनुज ने बोला ना वो सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब वो शायरी कर रहा था, अनुपमा ने सच्चाई नहीं बताई थी, तब भी वो कह रहा था कि जीने का आधार सिर्फ तुम मेरे जीने का आधार, तो अनुपमा कहाँ है? यही नहीं समझ में आता कि अनुपमा साइड लाइन ही है, साइड लाइन ही है। बहुत बुरा लगता है यार, ये 26 साल के प्यार को कितना गिरा दिया, ये प्यार को कितना गिरा दिया, ये 26 साल के प्यार, ये रूहानी प्यार, ये एक दूसरे को मौजूदगी के महसूस करना, वो दिल का धड़कना पास पास होने के बाद एहसास होना, तो आज ये प्यार क्यों मर गया, क्यों मर गया अनुज के दिल में? कि अगर वो रो रही है तो उसके आंसू को भी झूठा साबित किया जा रहा है। वो रो रही है, वो खुशी के आँख की बेटी मिल गई, वो दर्द में रो रही है तो उसके आंसू भी झूठे साबित। अब उसको क्या लगता है, मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं पागल हूँ, इससे तुम मुझे मेरा मन रखने के लिए, मुझे बहलाने के लिए ऐसी झूठी उम्मीद दे रही है? मैंने आद्या को देखा, वो मेरा वहम था, मंदिर के बाद देखा और तुमने जो कहा कि वो आद्या है तो वो मेरा वहम है, वो ये सोच रहा है। पर यहाँ पे थोड़ा तो क्या करिए, अनुज का रोल ही ऐसा क्यों बनाया, क्यों उसे इतना ये बनाया? जब अगर थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है तो उसको ये भी दिखाना चाहिए ना कि वो सुने समझे। यहाँ अनुपमा को ही अकेला कर दिया, बिल्कुल अकेली पड़ गई, जहाँ सच में अनुज का उसको जरूरत थी, उसके साथ की जरूरत थी, उसके की थी, तो वो नहीं है। आज बेचारी दर दर उसके एक पैर, आपने देखा कि आद्या को वो लेके चली गई, वो मेघा चली गई, आद्या पहुँची उस घर में, वहाँ पहुँची आद्या को तो पता चला कि वो यहाँ नहीं है, उन लोग कहीं बाहर गए, तो उसको यकीन नहीं हो रहा था, तो उस खिड़की को कितने बेचारी मुश्किलों से वो अंदर गई। हाँ, वो घर में अनुपमा को क्लू मिलेगा जरूर, कुछ ना कुछ आद्या क्लू छोड़ के जाएगी, ऐसा कुछ होगा, आद्या छोड़ के जाएगी और अनुपमा वहाँ पहुँचेगी। मुझे पहले देविका का लग रहा था कि अनुपमा देविका को कॉल करेगी कि उसकी कोई फ्रेंड है तो वो नंबर ट्रेस करेगा डीन का, क्योंकि डीन का नंबर है कि ये लोग कहाँ है, किस लोकेशन में, तो शायद हो सकता उस, वो भी एक माध्यम मुझे लगता है कि अनुपमा पहुँचेगी और ला के देगी। यहाँ पता चल गया है मीनू को कि उसकी शादी, उसके मामा ज़बरदस्ती शादी करने वाले हैं, उसने अपना फरमान सुना दिया, उसने कहा ऐसे कैसे, मुझे अभी पढ़ना है, ये करना है, भाभी बोल रही है, भाभी ने बाने कहा कि नहीं हम लड़का देख रहे हो, तुझे देखने आने वाले हैं, वहाँ कोई उसकी बात समझ नहीं रहा है, तुरंत जाके सागर से मिलने आ चाहा, सागर को बुलाया कॉफ़ी हाउस में, उससे बात की, सागर करे तो क्या करे, सागर अपने हालत से वाकिफ़ है, मौजूदा हालत से वाकिफ़ है सागर, उसको मालूम है कि क्या हो सकता है, हालत बिगड़ेगी, वो खुद ही अभी स्टेबल नहीं है, खुद का अभी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, वो खुद ही मेरे इतना अभी वो नहीं है, तो वो कैसे इसको ऐसा हाँ बोले, क्योंकि इसका मामा तो शादी करने वाला तो उसको डिसीजन ऐसे ही, तो या कैसे वो कह दे, या मीनू समझ नहीं रही है, या थोड़ा क्या करे, ये थोड़ा सा अजीब सा यहाँ भी हालत है। तो मीनू एक डॉक्टर हो के इसको इतना ढीला क्यों बनाया है इसका कैरेक्टर, या थोड़ा सा लगता है कि उसको क्यों नहीं समझ रहा है कि ये मुसीबत तो कभी अगर ऐसा होगा तो सागर पे, और उसका मामा कुछ भी कर सकता है, और ये बात अच्छे से जानता है सागर, तो यहाँ उसकी बात क्यों नहीं समझी जा रही है, तो यहाँ मुझे अजब सा लगता है मीनू का कैरेक्टर। अगर तुम्हें शादी नहीं करना तो तुम खुद करो ना, पुलिस कंप्लेंट करो, मुझे शादी नहीं करना, ये नहीं करना, जो भी करना अपने लिए फिलहाल स्टैंड लो, तुम्हें नहीं करना है तो साफ साफ अपने मामा से कहो, अपने पेरेंट्स से कहो। अगर वो लड़की, अगर सागर नहीं बोलता तो तुम क्या कर लोगी? अगर तुम्हें पसंद होगा नहीं होगा तब की बात है ना। तो यहाँ मुझे मीनू का भी थोड़ा अजीब सा लगा, और आज पूरा सीन अनुपमा अनुज और इन पे था, तो बहुत बुरा लगा जाए मुझके ये डायलॉग सुन के, दिल टूट गया, और आने वाला वक्त कैसे आगे जाएगा तो वो भी समझ में नहीं आ रहा। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। सही कहा वर्षा आपने कि अनुपमा साइड लाइन है, एक्स्ट्रा करेक्टर अनुज की जिंदगी में। वो प्यार कहाँ गया जिसको हम रूहानी बोलते थे, जिस प्यार में बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लिया जाता था, वो प्यार कहाँ है?
मैंने वैसे कहा भी है कि ये सब प्यार हवा हो गया है, अब जो है सिर्फ आद्या ही है अनुज की लाइफ में। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी सहेलियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। अनुपमा डीन के घर के बाहर खड़ी आद्या के यहाँ होने पर हैरान और बहुत से क्वेश्चन अनुपमा के दिमाग में। अनुपमा को ये लग रहा है कि आद्या डरी हुई है, लेकिन क्यों डरी हुई है? क्या उसको खतरा तो नहीं? और वो यहाँ कैसे आई? ऐसे बहुत से क्वेश्चन अनुपमा को परेशान कर रहे हैं। फिर अनुपमा का छोटी से वायदा कि तेरी माँ तुझे लेने जरूर आएगी। उधर आद्या खुश होकर कान्हा जी को धन्यवाद देती है कि आपने मम्मी से मुझे मिलवा दिया। आद्या, पता चला तुम्हें अनुपमा जैसी माँ की इम्पोर्टेंस। उधर साइको मेगा की जिद, हम आज ही जाएंगे। और डीम के समझाने पर भी मेगा का गुस्सा साथ में आसमान पर, और वो डीम को कहती है कि हम आज ही जाएंगे, क्योंकि उसको भी पता चल गया है कि आद्या अब बदल रही है, जो अब उसके फेवर में नहीं है। और वो तीनों उसी समय किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। उधर अनुपमा छोटी के मिलने पर खुश पानी के बुलबुलों से खेलती हुई आश्रम आती है। आज माँ की खुशी का ठिकाना नहीं। अनुज आद्या के स्केच के साथ बात करता हुआ, शायरी करता हुआ आद्या को याद कर रहा है। अनुज के लिए अब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, कोई त्यौहार इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ उसको आद्या की ही जरूरत है। अनुज को सिर्फ आद्या चाहिए। और अनुपमा पानी के बुलबुले उड़ाते हुए खुशी से आद्या की मिलने की खबर अनुज को देती है। जब अनुपमा अनुज को कहती है कि आज हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, और अनुपमा खुशी से अनुज के गले लग जाती है, लेकिन अनुज को शायद अब अनुपमा पे विश्वास नहीं रहा। एक टाइम था जब अनुज कहता था कि तुम सब कुछ कर सकती हो, लेकिन आज उसी अनुज को सिर्फ आद्या से अपनी सिर्फ आद्या में अपनी बेटी ही दिखती है। अनुपमा की बेटी नहीं, या हमारी बेटी नहीं। अनुपमा पर अनुज ब्लेम लगाता है कि मेरी बेटी को जब तुम्हें पता था वो इतनी परेशान है, डरी हुई है, तो वापस क्यों नहीं लाई। अनुपमा को कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। बेटी के प्यार में अनुज को जो मुंह में आ रहा है बोल रहा है, और ये अनुज की पुरानी आदत है। बेटी के प्यार में पहले भी जब अनुज माया के घर गया था तो अनुपमा को बहुत जलील करके गया था, और माया के घायल होने पर उसकी पूरी देखभाल भी की थी। आद्या के कहने पर श्रुति से प्यार ना होने पर भी शादी का वायदा किया था। तो अनुज की जिंदगी में अनुपमा कहाँ है? एक पत्नी की अपने पति की जिंदगी में जो जगह होनी चाहिए, वो अनुपमा की अनुज की जिंदगी में जगह क्यों नहीं है? सिर्फ छोटी को गोद लेने के लिए, या सिर्फ छोटी की देखभाल करने के लिए जगह है? बेटी के ना होने पर अनुज पागल हो सकता है, और अनुपमा के ना होने पर अनुज और फैशनेबल हो सकता है। अनुज का व्यक्तित्व मेरी समझ के बाहर है। मैं सिर्फ अनुज के 26 साल के प्यार को अनुपमा के प्यार से तोलना चाहती हूँ। जहाँ छोटी के अनुज की ज़िंदगी में आते ही उसका प्यार सिर्फ छोटी के इर्द गिर्द रह गया, वहीं अनुपमा का निस्वार्थ प्यार सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं। और वो अनुपमा आद्या को अनुज की ज़िंदगी में वापस ला कर रहेगी। लेकिन क्या अनुपमा को अनुज और आद्या के साथ रहना चाहिए? क्योंकि जो ये हुआ है, क्या गारंटी है आगे ऐसा नहीं होगा? और अनुपमा माँ भी है तो एक औरत भी है। चलो, ये फैसला अनुपमा का ही होना चाहिए। उधर शाह हाउस ब्रेकफास्ट टेबल पे मीनू की खुशी नाश्ता देखकर और बा का बम विस्फोट कि मीनू की शादी अहमदाबाद में डॉक्टर से होगी, और सभी हैरान। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इतना दबाव तो पाखे और तोशु पर भी नहीं डाला बा और बनराज ने, जितना मीनू पर अब डाल रहे हैं। नानी और मामा मीनू पर इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? क्या मीनू उनकी गुलाम है? बा का लेज़र लाइट से मीनू पर टॉन्ट, और अब मीनू भी समझ रही है कि शादी के बाद क्यों उठ रही है। और फिर बा, पाखी और तोशु सबके ताने मीनू पर, अनुपमा पर, और यहाँ तक कि किंजल पर भी। उधर मीनू घबराकर सागर को कॉफ़ी हाउस बुलाती है और अपनी शादी के बारे में बताते हुए कहती है कि क्या तुम्हें फ़र्क पड़ेगा?
और सागर स्ट्रिक्टली मना कर देता है, लेकिन अभी तो मीनू डिस्टर्ब है, लेकिन अब सागर भी डिस्टर्ब होने वाला है, क्योंकि प्यार तो दोनों ही करते हैं। जरा सा इशारा मिलते ही मीनू की बगावत बा और बनराज के खिलाफ होगी। उधर अनुपमा डीन के घर में जाने की जुगत लगाती है, हालांकि चौकीदार कहता है कि घर में कोई नहीं है, लेकिन अनुपमा का विश्वास कि आध्या अंदर होगी, और वो अंदर जाकर आध्या नहीं तो आध्या का पता ये उसके बारे में ज़रूर पता लगाएगी। वो किसी भी तरह से अंदर जाती है। वहाँ उसको मेघा की फ़ोटो आध्या के साथ और आध्या की डायरी मिलती है, और वो डायरी देखकर स्थिति समझने की कोशिश करती है। प्रीकैप भाई पुराना वाला, आज के लिए इतना ही। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा रेखा जी कि अब अनुज का करैक्टर समझ से बाहर है, उसका व्यक्तित्व समझ में नहीं आ रहा है। और अनुपमा के बारे में एग्जैक्टली आपने बिल्कुल करेक्ट कहा है कि वो सिर्फ देना जानती है, लेना नहीं जानती है। आज तक उसने किसी से किसी चीज की डिमांड नहीं की है, प्यार तक की डिमांड नहीं की है, हक की नहीं डिमांड की है। अनुपमा का व्यक्तित्व समझ में आता है, तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, बट फिर से अनुज की बातें सुनकर गुस्सा बहुत आया, हद हो गई। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी अनुज से आज, जिस तरह वो अनुपमा के साथ पेश आया। क्या होता जा रहा है अनुज तुम्हें, जो हर बार बिना किसी बात पर अनुपमा को हर्ट करने लग जाते हो। वो तुम्हारे पास इतनी खुशी से आई कि मैं अपने अनुज को आद्या के बारे में बताऊंगी, उल्टा तुम अनुपमा को अपने आप से अलग क्यों कर रहे हो? उसने कितने प्यार से तुम्हें गले लगाया, उसका ये सिला दिया तुमने, वाह क्या बात है। कभी तो इतने अच्छे बन जाते हो, अनुपमा के लिए उसकी केयर करते हो, उसका साथ देते हो, वो गिरने लगती है तुम्हें उसे संभाल लेते हो, बट दूसरी तरफ तुम्हें फिर से पता नहीं क्या हो जाता है, सिर्फ आद्या ही आद्या करते रहते हो, जो फिर से रट लगाने लग गए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। क्या है ये सब, इतना भी पागल मत हो जाओ अपनी बेटी के पीछे कि सामने वाला जो इंसान तुम्हारी बेटी को तुमसे मिलाने के लिए अपनी परवाह तक नहीं कर रहा, तुम उसके साथ ऐसा करो। खुद तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो सिवाय मेरी आद्या मेरी बेटी करते करते, किस एंगल से तुम पागल लग रहे हो? सब कुछ तो तुम्हें आता है कि क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ तुम्हें याद है, बट जो करे वो अनुपमा करे, वही ढूंढे आद्या को, वही तुम्हारे पास लेकर आए। जब तुम्हारी आँखों के सामने आद्या आएगी तब तुम्हें विश्वास होगा, वरना नहीं। क्या है ये सब अनुज, तुम्हें पता भी है कि अनुपमा ठीक से चल नहीं सकती, वो गिरते पड़ते सब काम करती है, और ये काम भी बहुत अच्छे से वो करेगी जो आद्या को वापस तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, बिना अपने दर्द को समझे। वो मरते मरते भी तुम्हारी आद्या को तुमसे मिलवाएगी ज़रूर, बट बाद में क्या करोगे तुम? फिर जब आद्या मम्मी बुलाएगी तब तुम अपनी बाहें खोल लोगे अनुपमा को अपने पास बुलाने के लिए। दिल और दिमाग दोनों से काम लो अनुज कि मैं क्या कर रहा हूँ। आद्या मेरी अकेली बेटी नहीं है, वो अनुपमा की भी बेटी है, क्यों ऐसा करते हो एक माँ की ममता के साथ? उधर आज मुझे अनुपमा पर भी गुस्सा आया, जिस तरह अनुज अनुपमा पर चिल्ला रहा था, तुम भी तो कुछ बोलो अनुपमा, क्यों चुपचाप खड़े होकर अपनी बेइज्जती करवाती रहती हो? कभी तो उसे डांट कर समझाओ कि क्या कर रहा है। उधर मेघा को देखा तो मेघा के बारे में वो धीरे धीरे समझ रही है कि क्या बात है, तभी तो वो डीन को आद्या को लेकर वहाँ से चली जाती है। बट दूसरी तरफ अनुपमा जो फिर से डीन के घर आई, कैसे चौकीदार को चकमा देकर घर के अंदर चली गई, और उसे चोट भी लग गई, बिना अपनी चोट को देखे वो आद्या के कमरे में गई और उसके हाथ प्रिया की फ़ोटो लगी, जिसे वो आद्या समझने लगी। दूसरा क्ल्यू, उसे डायरी हाथ लग गई जिसमें आद्या ने ड्राइंग की हुई थी, शायद उस डायरी में आद्या ने कोई ना कोई हिंट छोड़ा होगा अनुपमा के लिए कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। कोई क्ल्यू से, उसी क्ल्यू से मुझे लगता है कि अनुपमा वहाँ पहुँचेगी, तभी वहाँ से सीधा मंदिर लेकर जाएगी अनुज के पास। इतना आसान नहीं लगता कि ये मेघा बिना नुकसान के ये सब करेगी, बहुत डिफ़िकल्ट होने वाले हैं आगे के एपिसोड।
उधर बा को देखा तो वो अब अपने बेटे की हाँ में हाँ मिलाकर मीनू की शादी के पीछे पड़ गई है। इन शाह हाउस में अनुपमा को ब्लेम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जब देखो उसके पीछे पड़ जाते हैं, जबकि उसको खुद नहीं पता कि मीनू क्या कर रही है। अपने लिए कुछ नहीं कर रही मीनू, बा वनराज ने शादी के लिए कहा तो उठकर सागर के पास चली गई। तुम खुद कुछ नहीं कर सकती, तुम अपने लिए स्टैंड कब लोगी मीनू? क्या है ये सब? अनुपमा के ऊपर छोड़ रखा है कि कल को उसे बात पता चलेगी तो वो ही मेरी तरफ से लड़ेगी। अरे जीने दो उसे, कब तक परेशान करते रहोगे? उधर अनुज भी चिल्ला रहा है अनुपमा पर, बट अनुपमा को भी आज अनुज को चुप कराना चाहिए था। हमेशा अनुपमा को हर्ट करता रहता है। आगे देखते हैं क्या होता है, क्या क्या करता है अनुज अनुपमा के साथ। बस आज के लिए इतना ही। बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट हुई है कुसुम, और दोनों से हुई, आपकी बात सही है, और अनुज को दिल और दिमाग दोनों से काम लेना चाहिए। बिल्कुल आपने करेक्ट कहा है, उसको हालात की नजाकत को समझना चाहिए। तो बढ़िया रिव्यू कुसुम आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का तो जरूर भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। और वीडियो या ऑडियो भेजने से पहले इस नंबर पे HS कम्युनिटी का मेंबर जरूर बनिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.